तीसरा, मैं सारी रात सो नहीं सकी हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। जो कुछ तुमने किया है, तुमने सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दो यसरा, मैं चली जाऊंगी ना तो तुम सबकी जान छूट जाएगी मेरी हमाकतों से। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, कम से कम तब तक तो नाराजगी छोड़ दो। मैं बाबा से बात करूंगी यसरा, उन्हें बताऊंगी कि साइम बहुत अच्छा लड़का है। बस कर दो राबी, जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा पता नहीं कब तक भुगतनी पड़ेगी मुझे। अब कुछ मत कहना प्लीज। यसरा, अल्लाह हाफिज़। हम बेटा, राबी बहुत बेवकूफ़ है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम समझदार हो, जमाने की ऊंच नीच समझकर अपने किरदार की हिफाजत कर सकती हो। इसीलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर किस्म का सुख तुम्हारी झोली में डाल दे। अम्मी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि राबी के लिए भी दुआ किया करें। आपकी दुआ बजाते खुद हमारे लिए सुख है। खुश रहो, खैर से जाओ। देखा तुमने, उसने अकेले दुआ लेना भी कबूल नहीं की। वो तुम्हें अपनी दुआओं में भी हिस्सादार बना रही, और तुम उसे अपने गुनाहों में शरीक कर रही हो। अम्मी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे यसरा के बारे में वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। राबी, एक एहसान करो हमारे सर पे, शादी करके बाइज्जत इस घर से रुखसत हो जाओ। बस